वक्ता हुआ मेरे बड़े भाई रत्न स्वामी मिश्र जी, नंदा जी, मधु जी और इस महाकाल में उपस्थित सभी गणमान्य, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। मैं आज नमन करता हूँ प्रभावती जी को, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना न की वरन बिहार में महिलाओं की जागृति का एक आधार उन्होंने तैयार किया। इसके बारे में नेता जी पहले कर चुके हैं, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं आज नमन करता हूँ गांधी जी की, जिनकी प्रेरणा से महिला सुरक्षा समिति स्थापित हुई। अभी रत्नस्वामी जी ने जयप्रकाश जी के एक अलग आयाम पर, उनके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू पर और इतने विस्तार से उन्होंने चर्चा की है, मैं समझता हूँ उसका बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जब यहाँ चर्चा होती रही है इस सभागार में, तो मुख्यतः वो केंद्रित रहती थी संपूर्ण क्रांति पर उनके और जो यहाँ आंदोलन चले हैं उस पर, लेकिन ये भूमिगत आंदोलन का जो स्वरूप था इसको जरा सा बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। जैसा उन्होंने स्पष्ट किया, मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत है। 1917 में गांधी जी जब आए और चंपारण गए तो वहाँ भी ये समस्या उठी थी, अगर गांधी जी जेल जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने तीन लेयर में लीडरशिप को बांटा था कि अगर वो जेल गए तो एक लेयर आगे आएगा, और ये समझ ली थी एक सिर्फ दो तीन दिन में हुआ, उस समय समय नहीं था। 10 अप्रैल को तो गांधी जी पहुंचे हैं और 17-18 तक तो मतलब वो एक पीक पर पहुंच गया था आंदोलन। 18 तारीख को वो बोर्ड के सामने में था। तो ये नेतृत्व का लेयर बनाना और उसकी रूपरेखा बनाना कि अगर मुख्य नेता जेल चला जाए तो फिर दूसरा ग्रुप तैयार होगा, जिसमें ये लोग सभी थे, मौलाना मजूर भाग बक्सुर बाबू उसमें लीड कर रहे थे, अनुग्रह बाबू, महेंद्र बाबू, ये सभी लोग उस सूची में थे। तो देखिएगा ये वहाँ की बात थी, लेकिन जो 42 का आंदोलन था वो एक दूसरे पर चढ़ते गए। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया, बहुत गहराई से बताया, मैं समझता हूँ उसको समझना चाहिए कि यहाँ पर बहुत व्यापक पैमाने पर करीब करीब सभी कांग्रेस लीडर्स को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर जयप्रकाश नारायण उस समय एक पैरल आंदोलन नहीं खड़ा करते या पैरल आंदोलन की रूपरेखा जो उन्होंने पूर्व से तैयार कर रखी थी उनका आंदोलन की, तो शायद ये आंदोलन 2-3 महीनों में समाप्त हो जाए। तो ये जो मुख्य बात जो उन्होंने बताई, और मैं समझता हूँ शायद जयप्रकाश जी की जो सबसे बड़ी विशेषता मैं हमेशा देखता हूँ वो ये कि उनके वो विचारों की स्वतंत्रता में निश्चित रूप से पूर्ण रूप में विश्वास करते थे। इसलिए किसी के सामने में चाहे वो नेहरू जी के साथ उनका विवाद हो या गांधी जी को अभिमान है कि उन्होंने बात बताई, बाद में नेहरू जी के साथ विवाद हुआ, इंदिरा गांधी के साथ विवाद हुआ, जो सभी परिवार के सदस्य जैसे थे, लेकिन जब विचार की बात आती थी तो शायद वो अपना विचार उसी निष्पक्षता और उसी प्रबलता के साथ रख सकते थे। एक और बात मैं चाहता हूँ शायद आज बताऊँ, आज जयप्रकाश जी मूलतः वो मार्क्सवादी थे, सोच में भी मार्क्सवादी थे, इसके सभी जगह उनके विचारों में क्रांति सभा
कि संपूर्ण क्रांति की बात कहें, संपूर्ण बदलाव की बात नहीं कही, परिवर्तन की बात नहीं कि सीधे क्रांति की बात कही, उनके उनके दिमाग में जो जो मार्क्सिस्ट का एक सिद्धांत था जिससे उन्होंने प्रारंभ किया था, बाद में गांधी जी से भी प्रभावित हुए, कांग्रेस भी ज्वाइन किया है उन्होंने, समाजवादी पार्टी में भी रहे, फिर वो दूसरी तरफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ही बात करना चाहता था, क्या तब पार्टीलेस, और आज भी अगर चुनाव में कोई संशोधन की बात होती है तो जयप्रकाश के बिना पूरा नहीं सकता, उनके विचारों के बिना पूरा नहीं सकता। ये जो नोटा की बात आ रही है, हम लोग रिकॉर्ड की बात आज भी जो कर रहे हैं, सभी जयप्रकाश जी के विचारों पर ही आज भी संघर्ष जो कर रहे हैं कि चुनाव में सुधार होना है तो उसी आधार पर होना। मैं समझता हूँ आज का दिन जयप्रकाश को याद करने का है ही। एक बड़ी बात जो वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे वो था कि सत्ता को राजनीतिकों के हाथ से निकाल करके जनता तक पहुँचा दें, और इसी के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहे। जब तक जनसत्ता, जब तक वैयक्तिक संप्रभुता की हम स्थापना नहीं करते हैं तब तक जनतंत्र का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। तो लोकनायक के की भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, संस्थान शायद उसका हमें नमन करना चाहिए, और ये जो उनका लक्ष्य है संपूर्ण क्रांति शायद उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जब तक जनता के हाथ में सत्ता नहीं जाती है, जनता सही रूप से सत्ता का अधिकारी नहीं बनता है, जनता जब तक सही रूप में उस अधिकार का उपयोग नहीं करती है तब तक जनतंत्र का सही स्वरूप रियलाइज नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ जब प्रश्न इसी के लिए करते रहे, संपूर्ण क्रांति का जो उनका जो नारा है, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं समझता हूँ एक बात से बात आ चुकी, लेट बहुत हो गया है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ जो ये किताब लेकर निकाली थी उनकी जयप्रकाश जी की है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई, मैं समझता हूँ ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसी से मैं समाप्त करना चाहूँगा। उन्होंने अपने पूरे विचार को इसमें समाप्त किया है, इस लाइन में ना देखो ध्यान से हम लोग देख लें, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के समय सन 1929 में रावी नदी के तट पर 1929 में 26 जनवरी को सही याद है, तो रावी नदी के तट पर राष्ट्र ने पूर्ण स्वराज्य का अर्थात देश पूर्ण स्वराज्य का रिप्रेजेंट दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात देश के निम्नतम व्यक्ति से प्रारंभ करके संपूर्ण समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक और नैतिक उत्थान का संकल्प लिया था। गांधी जी के सपने का वह स्वराज अभी तक अधूरा है, स्वतंत्रता को जन जन के जीवन में उतारने का काम अभी बाकी है। स्वराज का पूर्वार्ध पूरा हुआ था अंग्रेजी राज्य के अंत से, उत्तरार्ध पूरा होगा समता की स्थापना और गरीबी के अंत से और शोषण और दमन की समाप्ति से। हमारा आंदोलन इसी के लिए है, हम यह संकल्प लेते हैं इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे। जयप्रकाश का यह संकल्प है और मैं समझता हूँ आज भी सभी को जो हम लोग यहाँ हैं, जो लोग जयप्रकाश की बातों में विचार करते हैं या पूरा देश, जो सर जयप्रकाश के, मैं समझता हूँ जयप्रकाश ही एकमात्र ऐसा नेता रहा है उस पूरी पीढ़ी में जिसने सत्ता से अलग रहकर, गांधी जी का एक अलग था लेकिन सत्ता से अलग रहकर सत्ता को प्रभावित ही नहीं किया, अगर जे पी शायद नहीं होते, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, जे पी अगर नहीं होते तो कांग्रेस को हटाना करीब करीब असंभव था। जे पी की शक्ति थी, उन्होंने एक वैकल्पिक एक जो विपक्ष खड़ा किया, विपक्ष खड़ा ही नहीं किया, कांग्रेस को अलग किया और इससे राजनीति की और देश की दिशा और दशा बदली। मैं सोचता हूँ यह देश हमेशा जयप्रकाश के लिए इस बात के लिए ऋणी रहेगा, और आज हम लोग यह संकल्प लें, बीजेपी ने जो ये जो बात मैं
बहुत सही शब्दों में, कम शब्दों में कह दिया है, उसको शायद हम लोग पूरा करने में सभी लोग एकजुट हों। बहुत बहुत धन्यवाद।